कहाँ से आए आप? बड़ा तरखाना से। क्या नाम है आपका? आई एम सी। क्या गवाही आपकी? मेरी वालदा बहुत बीमार थी, मैं उतो पिंडों लैके टुरया, मेरी वालदा गए मैंने वापस लेके आना ही अस्पताल जन लैके जाई, मैं उतो कार करा के दिते पास्टर शौकत फजल से दुआ कराई, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र अदा करते हैं अंकल जी। आपकी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी, वापस होना ही नहीं था। अच्छा, आपकी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी और आप उनको हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास लेकर जा रहे थे, लेकिन आपकी वालदा का ईमान था कि आप खुदा के खादम के पास लेकर आएंगे, चर्च में लेकर आएंगे, खुदा के खादमों से दुआ करवाएंगे तो वो शिफा पाएंगी। और आप उनको चर्च लेकर आए, खुदा के खादम पास्टर शौकत ने जब दुआ की तो किसने आपकी वालदा को शिफा दिया? अब वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे। आपकी कोई दूसरी गवाही? दूरी गवाही मैनू ना कोई तकलीफ ही रही थी आप नहीं, वो भी मैं पास्टर साहब से दुआ कराई तो वो बिल्कुल सही है। प्रेज द लॉर्ड, आपको कोई अंदरूनी तकलीफ थी और आपने खुदा के खादिम से दुआ करवाई तो किसने आपको शिफा दी? यीशु मसीह ने। अब आप बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में जलाली काम करे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। सिस्टर जी सलाम। सलाम माँ जी, कहाँ से आई हैं? फैसलाबाद से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादा है। क्या गवाही आपकी? ये गवाही ना मेरी बेटी की है, उसके गले में गिल्लर था, तो जब पास्टर जी शाहकोट गए ना प्रे प्रैस्टिपल करवाया तो उसने पास्टर जी ने कहा कि अपने जिसके गले में गिल्लड़ है तो वहाँ हाथ रख लें, तो मेरी बेटी ने हाथ रखा तो वो जो ना गिल्टी जो उसकी उसी दामा ना अंदर चली गई। तो फिर मेरी बेटी कहती मैंने गवाही देने जाना था तो मुझे मौका नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो मैं लाहौर दे के आऊँगी गवाही। अब उसकी शादी हो गई है तो उसके ससुराल वालों ने कहा इसके ना गले में गिल्लड़ है, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ना टेस्ट करवाएं इसका, तो हमने वहाँ से फैसलाबाद से टेस्ट करवाया, तो अब टेस्ट हो जब रिपोर्ट आई तो बिल्कुल सारा क्लियर है। प्रेज द लॉर्ड। माँ जी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपकी बेटी के गले में गिल्लड़ था और खुदा के अजीम खादम पास्टर अनवर फजल शाहकोट प्रेयर फेस्टिवल में जब आए थे और हम लोगों ने वहाँ पर प्रेयर फेस्टिवल मुनक्किद किया, वहाँ पर आपकी बेटी गई, ईमान से आपकी बेटी ने अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखा, जब खुदा के खादिम ने बीमारों के लिए दुआ की तो खुदावन यीशु मसीह ने आपकी बेटी को भी शिफा अता की और गिल्लड़ जैसी बीमारी से उनको रिहाई दी। अब वो बिल्कुल ठीक? हाँ जी बिल्कुल। और आपकी बेटी के टेस्ट जब डॉक्टर ने किया टेस्ट बिल्कुल क्लियर आया, आप खुश हैं? बाजी जी बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, हमने बहुत दुआ की, बहुत खुश हैं हम के बेटी का जो टेस्ट है ना बिल्कुल क्लियर है। प्रेज द लॉर्ड। माँ जी खुदावंद आपके साथ हो। आपकी कोई दूसरी गवाही? हाँ जी, ये मेरा पोता है ना, तो इसका ये बहुत बीमार था, तो बहुत इसका ना खून जो है ना इसके नहीं था बन रहा, तो डॉक्टर ने कहा इसका ना चेकअप करवाएं, तो चेकअप करवाया तो उसने कहा ये 4 पॉइंट इसके अंदर खून है, तो जल्दी से इसको ना ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर हमने इसको ना दुआ करते रहे एग्जीक्यूटिव के आगे बैठ के, जब पास्टर जी आते तो मैं सामने ले कर बैठ जाती रोती है और बहुत दुआ करती, तो मैंने कहा पास्टर जी मेरे पोते के लिए भी दुआ करें, तो शुक्र है खुदा का हमने इसको बहुत कहते तो खून नहीं लगवाना इसको, ब्लड नहीं लगवाना, ये छोटा है नहीं अच्छा होता खून, तो हमने कहा कुछ नहीं होता तो इसको खून लगवाएं कुछ नहीं होता, तो खुदा अच्छा करेगा इसको, तो फिर बाद में ना ये इसको खून लगवाया था। प्रेज द लॉर्ड। माँ जी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये आपका पोता है जिसमें खून की कमी हो गई थी और आप खुदा के खादिम से दुआ करवाती रहीं। आइजक टीवी पर जब खुदा के खादिम दुआ करते थे लाइव मीटिंग में तो आप अपने पोते के लिए दुआ करती थी और अब इसको खून की कमी जो है खुदावन यीशु मसीह ने दूर की है और पूरा इसको खून अता किया है। आप खुश हैं कि आपके पोते को खुदावन ने शिफा दी? हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ। खुदावन यीशु मसीह इस बेटे को उम्र की दराजी दे, अपना हाथ बढ़ाकर इसको हमेशा अपनी पनाह में रखे। गॉड ब्लेस यू। सलाम सिस्टर। कहाँ से आया? उकाड़ा से। क्या नाम है आपका? दीन। क्या गवाही आपकी? मेरी वाइफ का ना मोहरम का मसला बन गया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि इसका ना जनरल से ऑपरेशन करवाएं, तो मैंने ऑपरेशन तो नहीं करवाया, मगर मैं तीसरा इतवार हो गया कि इधर आ रहा हूँ तो मेरी वाइफ ठीक है, खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हमें पास्टर अनवर जैसा सूरमा दिया है जो कि आग के शोले की मानंद पूरे शहर में पूरी दुनिया में इस वक्त खुदा के नाम की मनादी कर रहे हैं। खुदा उनको और भी ज़्यादा ब्लेस करे और बरकत दे, और आप सब की टीम को भी खुदा बरकत दे। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरा भाई है तो वो ना उसका थोड़ा सा दिमाग पागल हो गया है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सारी टीम से कि मेरे भाई के लिए दुआ करें।
प्रेज द लॉर्ड भाई, आपकी वाइफ को मोहरों का मसला था और डॉक्टर्स ने बोला था कि इनका ऑपरेशन होगा, लेकिन खुदा के अजीम खादिम ने आपकी वाइफ के लिए दुआ की तो किसने उनको शिफा दी? खुदावंद यीशु मसीह ने। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी वाइफ को खुदा के अजीम खादिम की दुआ के वसीला से शिफा अता की, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा अपने खादिम को पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है और लोग उनकी दुआ के वसीला से शिफा पाते हैं, निजात को पाते हैं। खुदावंद इसी तरह आपको अपने ईमान में कायम रखे, खुदावंद इसी तरह आपको अपनी हमेशा पनाह में कायम रखे। गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आई आप? मैं रेंजर से आई। क्या नाम है आपका? मानो। क्या गवाही आपकी? मेरे शोहर की गवाही, वो सिगरेट और शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, अब उन्होंने छोड़ दिए। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, आपके हस्बैंड सिगरेट बहुत पीते थे, ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे, आपने खुदा के खादमों से दुआ करवाई, कितने अरसे से वो नशा करते थे? तकरीबन जब से जवान हुए। काफ़ी अरसे से आप बता रही हैं कि वो नशा करते थे और आपने काफ़ी ज़्यादा उनको मना किया, लेकिन वो मना नहीं हुए। आपने जब खुदा के खादम से दुआ करवाई, अपने हस्बैंड के लिए आप खुद दुआ करती थी, तो उनको नशे जैसी लानत से किसने रहाई? खुदावन यीशु मसीह ने। खुदावन यीशु मसीह आपके हस्बैंड को हमेशा अपनी पनाह में रखे, और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि रास्तबाज बीवी के सबब से शोहर बच जाएगा, तो आपने अपने हस्बैंड के लिए दुआ करवाई, खुदावन ने उनको नशे जैसी लानत से रहाई दी। खुदावंद आपके साथ हो। आपकी कोई दूसरी गवाही? जी, दूसरी गवाही, मेरे भाइयों के पास औलाद नहीं थी, खुदा उनका शुक्र दोनों भाइयों के पास औलाद है, बेटों जैसी नेमत दी है। प्रेज द लॉर्ड। आपके भाइयों के पास औलाद जैसी बरकत नहीं थी और आपने खुदा के खादिम से दुआ करवाई, तो आपके भाइयों को किसने बेटों जैसी बरकत दी? सुमसी ने। आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा। खुदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आई आप? मैं एक साचक शुमाली से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिमरत सवारा। क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही ये है कि मैं मुझे यहाँ पे गिल्टी थी, पास्टर अनवर फजल बीइंग